रमायणी 63 नाना रूप वर्ण ये कीना चारि वर्ण वै काहू न चीना नष्ट गए करता नहीं चीना नष्ट गए और ही मन दीना नष्ट गए जिन वेद बखाना वेद पढ़े पर भेद न जाना बिमलक करे नयन नहीं सूझा भया आयान तब किछो न बूझा नाना नाच नचाए के नाचे नटके भेस घट घट है अविनाशी सुनो तकी तुम सेख नाना रूप वर्ण यकीना एक यानी मनुष्य एक मनुष्य ने नाना वर्ण और रूप का निर्धारण किया। रूप यानी जात, वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जाति का अर्थ तो पैदा होना है, लेकिन रूढ़ जाति का अर्थ होता है कुर्मी मुराद धोबी तेली कहार इत्यादि। जातरत्र महासर्प मनुष्यते महामते संक्रात सर्प वर्णानाम दुष्परीक्षेत में मति सर्वे सर्वासुपत्यान जनयंत सदा नराः तस्मात् शीलं प्रधानेष्टं विदुरिये तत् दर्शिनः। ये जात की परिभाषा महाभारत में दी गई, महाभारत के वन पर्व के 1 से 180 अध्याय के 31-33 मंत्र के बीच में यह बात आती है। मनुष्यत्व ही जाति है, सभी वर्णों में मिश्रण होने की वजह से ये निर्णय कर पाना कठिन है कि कौन ब्राह्मण है कौन शूद्र है, क्योंकि सभी वर्णों की स्त्रियों से सभी वर्णों के पुरुषों ने सदा से बच्चा पैदा किया है। इसलिए शील ही प्रधान है, यही विवेकवान का मत है। तो जातिकार तो पैदा होना है, और मानव मात्र की जात एक है क्योंकि मानव मात्र की पैदाइश एक है। बकरी से और सुअर से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियां अलग है। उटनी से और हाथी से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियां अलग है। किंतु भूमंडल के किसी कोने के नर और किसी कोने के नारी से बच्चे होते हैं, इसलिए मानव मात्र की जात एक है। किंतु जात के नाम पर आजकल जो रूढ़ है, कुर्मी है मुराव है तेली है धोबी है, ऐसे सैकड़ों। साहब कहते हैं ये जात की कल्पना भी तुम्हीं ने की है। अवर्ण, अवर्ण की कल्पना भी तुम्हीं ने की है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वर्णों की कल्पना भी तुम्हीं ने की है। इसलिए वर्ण और जात कोई स्वयंभू नहीं है, कोई आकाश में बैठे हुए न तो ईश्वर ने ये सब कल्पना कर डाली है और न कोई प्रकृतिगत की ये चीज है, ये मनुष्य की बनाई कल्पना है। जहां तक वर्ण व्यवस्था की कल्पना है, कब से हुई कैसे हुई किसने की, ये कोई ऐतिहासिक वर्णन ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत में इतिहास लिखने का रवाज नहीं था। विद्वानों के मत के अनुसार और पुराने ग्रंथों के अध्ययन से जो निर्धारण होता है वो ये है कि एशिया यूरोप के मध्य में रूस के दक्षिणी हिस्से पर जिसको कैप्सियन सागर कहते हैं, एक सागर है समुद्र छोटा सा, उसका नाम है कैप्सियन। वहां के आसपास में आर्य लोग रहते थे, किसी कारणवश उनका जत्था वहां से चला और बेबीलोन में आया। बेबीलोन
उससे दक्षिण पड़ता था, जिसको आजकल इराक कहते हैं। वहां वे रहे, वेद के मंत्र इराक से ही बनते रहे, और इसीलिए बेबीलोन भाषा का प्रभाव वेदों पर है। साणाचार्य जैसे महाविद्वान भी वेदों का भाष्य करते समय सभी शब्दों का अर्थ नहीं समझ सके, जैसे जमेना, मदेरु, आलगी, बिलगी, ताबूम। अब ये पता चलता है कि बेबीलोन भाषा के शब्द हैं। वहां से वे ईरान आए, श्वेत द्वीप जिसे कहते थे, आजकल ईरान कहते हैं। आर्यों के निवास के कारण ही उसको आर्यन ईरान कहा गया, और वहां से फिर वे पंचनद पंजाब में आ गए। वेद के मंत्र इस समय बनते रहे, और पंचनद से फिर फैल करके काशी कौशल क्षेत्र में फैल गए, और बिहार जिसे आजकल कहते हैं, अंगदेश और गंगा के उत्तर और दक्षिण क्षेत्रों में मगध और वैशाली, इन सारी क्षेत्रों में फैल गए। इनमें ब्राह्मण का अर्थ होता है, ब्रह्म का अर्थ होता जो बढ़े, आग जलाने से आग बढ़ जाती है, इसलिए आग को ब्रह्म का, इसलिए अग्नि की उपासना वेदों में बहुत है। ऋग्वेद का पहला मंत्र ही अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ से शुरू होता है, और अग्नि की उपासना करने वाले ब्राह्मण कहे गए। कुछ दिनों के बाद जब समाज बड़ा हो गया तो शासन के लिए उन्हीं में से इन्होंने राजन्य की स्थापना की। अलग राजन्य को क्षत्रिय आगे कहा गया, फिर गोपालन, कृषि इत्यादि वस्तुओं के लेन देन के लिए एक अलग समाज बनाया गया, जिसका नाम विष रखा गया, और ये विष ही आगे चल करके वैश्य कहलाए। इस प्रकार ब्रह्म, राजन्य और विष, ये तीन ग्रुप बना। आर्य लोग बहुत जबरदस्त विद्या में और बल में दोनों में थे। ईरान, इराक जिसे आजकल कहते हैं, और अफगानिस्तान और भारत का बहुत बड़ा हिस्सा, इसमें राक्षस, असुर, दैत्य, दानव, मैं, पणी, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ये सब जगह जगह राज्य करते थे। आर्यों ने इन सब को युद्ध द्वारा या अपने प्रभाव में धीरे धीरे आत्मसात किया, और इनका समाज बहुत विशाल बन गया। पहले असुरों का राज ही सर्वत्र ज्यादा था, ये सब पुराणों से पता चलता है। वाल्मीकि रामायण के सातवें कांड में आया है, तस्मिन् प्रशासति तदा सर्व काम दुहामही रसवन्ति प्रसूनानि मूलानि च फलानि च अकृष्ट पच्चा पृथ्वी सुसपन्ना महात्मनः साराज्यम तादृशं भुंक्ते अस्फीत मद्भुत दर्शनम्। वृत्त असुर के राज्य में पृथ्वी सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाली थी। उस समय फूल, फल, मूलादि सब रस से भरे रहते थे। महात्मा वृत्तासुर के शासन काल में पृथ्वी बिना जोते हुए अन्न पैदा करती थी और संपत्ति से पूर्ण रहती थी। इस प्रकार असुर राज वृत्त महान ऐश्वर्यशाली एवं आश्चर्यजनक राज का उपभोग करते थे। वृत्त की चर्चा वेदों में भी है, और वृत्त नाम का राजा जो कि असुर कुल का था, वृत्र महान प्रतापवान था। आर्यों ने अपना दबदबा जमाया, इन सब को अपने में आत्मसात कर लिया, बहुत बड़ा दल बन गया। फिर उन्होंने एक बहुत बड़े समाज को शूद्र घोषित किया,
जो श्रमिक दल था और काम का बंटवारा इस प्रकार हुआ, लेकिन आपस में न तो छुआछूत की बात थी, रोटी बेटी का सबका संबंध आपस में था, केवल काम का बंटवारा था, कोई किसी से घृणा नहीं करता था। दिन बढ़ते चले गए, फिर घृणा शुरू हो गई। इसी के बाद और जात बनने लगी, बाल और लोग बनवाते ही नहीं थे, आगे चल करके बाल बनवाने लगे तो नाई अलग हो गए, कपड़ा बहुत कम पहनते थे, अपने हाथ से धो लेते थे। कपड़ा का विस्तार हुआ तो उसके लिए बुनने वाले, सिलने वाले, धोने वाले, तो दर्जी, धोबी, ये सब नाम बढ़ा। काम जितना बढ़ा वैसा काम करने वालों का नाम बढ़ा, बस जातियां इसमें बनती चली गई। इस प्रकार वर्ण और जातियों का विस्तार होता चला गया। आगे चल करके फिर मोटा काम करने वालों को छोटा कहा जाने लगा। जो पुस्तक पढ़े वो बड़ा है, और जो लकड़ी छील करके फर्नीचर बनाए वो छोटा है। जो पूजा करे वो बड़ा है, और जो हल चलाए वो छोटा है। ये कुमति जब से मन में व्यापी, तब से छुआछूत और ऊंच नीच की भावना बढ़ी। साहब कहते हैं कि नाना रूप यानी नाना जातियां और वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि, एक कीना, एक मनुष्य ने किया, चार वर्ण वे काहुन चीना, लेकिन उन किसी ने भी ये न चीना कि ये चारों वर्णों का निर्धारक इंसान है। ये कोई अजर अमर चीज नहीं, ये कोई आकाश से निर्मित नहीं हुआ है, ये प्रकृति प्रदत्त नहीं है, यह किसी ईश्वर का दिया हुआ नहीं है। नष्ट गए कर्ता नहीं चीना, नष्ट गए और ही मन दीना। मानवता के उद्धार के लिए साहब के मन में कितनी पीड़ा थी। वह कहते हो नष्ट हो गए जिन्होंने कर्ता को नहीं पहचाना। ये वर्णों का कर्ता, ये जातियों का कर्ता कौन है? ये जो नहीं पहचाना और नष्ट हो गए, उनकी बुद्धि नष्ट है। जो नहीं समझे कि मनुष्य ही करता है इसका, मनुष्य वर्णों की कल्पना करता है। ब्राह्मण गोरे होते हैं, अंग्रेज लोग भी गोरे होते हैं, और ठंड मुल्क वाले सभी गोरे होते हैं, उनको ब्राह्मण क्यों नहीं कहा जाता है? और अगर ब्राह्मण गोरे होते हैं तो जो ब्राह्मण कहलाने वालों में काले होते हैं उनको अब्राह्मण क्यों नहीं कहा जाता है? तो ये सब बकवास है। नष्ट गए और मंदीना, साहब कहते हुए नष्ट हो गए जिन्होंने अपने मन को और कहीं लगाया कि प्रभु की देन है। अपनी बात, कमजोर से कमजोर बात को प्रभु के नाम पर चलाना बड़ा सरल है, ये प्रभु की देन है। चाहे संस्कृत ग्रंथों को देखो और चाहे हिंदी ग्रंथों को, चाहे अन्य ग्रंथों को, जात पात संबंधी मलिनता जिसके चित्त में थी, चाहे वो पंडित रहे हो, चाहे संत रहे हो, चाहे जो रहे, उन्होंने महापुरुषों का नाम लेकर के उनके आधार पर अपने अंधविश्वास को फैलाया। कल्पना कर लिया एक निराकार ईश्वर ब्रह्म है आकाश में, वही ये सब वर्ण व्यवस्था किया। किसी ने कल्पना किया अमुक अमुक मनुष्य के रूप में जो आए हैं वो परमात्मा के अवतार हैं, तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था और जात पात की कल्पना की है, उन्हीं की देन है। इसलिए प्रभु का वचन है, इसको जो नहीं मानेगा वो पापी है, वो नास्तिक है। नष्ट गए जिन वेद बखाना, साहब कहते हुए नष्ट हो गए जिन्होंने जात परक और वर्ण व्यवस्था पर व्याख्यान व्याख्या वेदों की। वेदों में लिखा है कि ब्राह्मण सबसे ऊंचा है और शूद्र नीचा है, शूद्र छूत है, शूद्र की परछाई पड़ जाए तो कपड़े सहित नहाना चाहिए, ऐसा वेदों में लिखा है। इस प्रकार की जो व्याख्या करता है साहब कहते वो नष्ट हो गए, क्योंकि वेद पढ़े पर भेद न जाना। वेद को पढ़ते तो हैं लेकिन भेद नहीं जानते हैं, कहां वेदों में ऐसा लिखा है। ये साहब बहुत बड़ी बात कहते हैं।
आगे चल करके नाना ऐसा आया। धर्म शास्त्रों में ऐसा लिखा गया, तैतरी संहिता में लिखा है, जैसे पशुओं में घोड़ा वैसे मनुष्यों में शूद्र, अतः वह यज्ञ के योग्य नहीं है। शूद्र एक चलता फिरता शमशान है, उसके पास वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वेदांत के भाष्य में स्वामी शंकर ने वचन उद्धृत किया, शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। ये मनुस्मृत के चौथे अध्याय के 80वें श्लोक में कहा गया है। यदि शूद्र वेद मंत्र सुन ले तो उसके कान में पिघलाया हुआ रांगा भर दे, अगर वो वेद मंत्र उच्चारण किए कर डाले तो जीभ काट दे। अगर शूद्र ने वेद मंत्र का मनन कर लिया है तो उसकी हत्या कर दे। ये गौतम धर्म सूत्र में लिखा है, शंकर भाष्य में भी ये बात आई है। मन स्मृत हो चाहे अन्य स्मृतियां हो, ब्राह्मण ग्रंथ, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शौद सूत्र, स्मृत ग्रंथ, इन धर्म ग्रंथों के लेखकों को लोग मानते हैं कि वेदों के मर्मज्ञ हुए और वेदों के ज्ञाता थे, त्रिकालदर्शी थे। जब ये त्रिकालदर्शी थे तो इन्होंने जो कुछ कहा है वो सब सच है। साहब कहते नष्ट गए जिन वेद बखाना, वेदों की व्याख्या इस तरह से जिसने की उनकी बुद्धि नष्ट है। किस वेद के, किस मंडल के, किस अध्याय के, किस सूक्त के, किस मंत्र में ये सब वर्णन है कोई बताए? चारों वेदों में ऐसा कहीं वर्णन नहीं, बल्कि यह जरूर है समानी प्रपा सहो अन्नभागा, हमारी पौशाला एक हो और हम एक साथ भोजन लें। भेदभाव की बात वेदों में जात पात को लेकर नहीं है, वैसी कल्पना ही नहीं उठी थी, ये कल्पना तो पीछे की है। अब लोग कहते हैं कि वे वेदों के मर्मज्ञ थे जिन्होंने गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शौद सूत्र लिखा, ब्राह्मण ग्रंथ लिखा और तमाम धर्म शास्त्र लिखे, वे वेदों के मर्मज्ञ थे, त्रिकालदर्शी थे। साहब कहते हैं बिमलक करे नयन नहीं सूझा। बिमलक तो बिमलक होने का अभिमान, बिमल बिमलक नाम निर्मल दृष्टि, दिव्य दृष्टि, बिमलाक्ष, निर्मल अक्ष, निर्मल आंख, दिव्य दृष्टि, ये घमंड है लोगों को कि उनकी विमल दृष्टि थी, त्रिकालदर्शी थे, इसलिए वो जो व्याख्या की है सच है। साहब कहते विमलाक्ष करे, विमलाक्ष का अहंकार तो है लेकिन उनकी आंख से सूझता ही कुछ नहीं है। भया अंत किछो न सूझा, आदमी जब मूड हो जाता है तो उसको कुछ नहीं सूझता है, जो पक्षपाती हो जाता तो मूड हो जाता है और मूड आदमी को कुछ नहीं सूझता है। इसलिए अहंकार तो निर्मल दृष्टि का है, अवे विवेकहीन है। थोड़ा विचार कर लो, वेदों में ऐसी प्रकार की क्रूरता कहीं नहीं है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 116वें सूक्त से 126वें सूक्त तक, जिसमें 153 मंत्र हैं, कक्षीवान की रचना है और कक्षीवान शूद्र कुल उत्पन्न थे। इन्हीं की पुत्री घोषा थी, घोषा नाम की। 10वें मंडल के 39 से 40 की ऋषिका है, रचयिता है, जो कि शूद्र कुल उत्पन्न ही थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 169वें सूक्त का ऋषि सबर है, सबर भी शूद्र कुल उत्पन्न है। और कितने ही ऐसे शूद्र हैं और कितनी स्त्रियां हैं जो वेद मंत्रों के रचयिता हैं। जो वेद मंत्रों को रचता हो क्या वो वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं है? वो अछूत होते तो वेद मंत्र कैसे रचते और कैसे वो मान्य होता,
इसलिए ये बीच के लोगों का अहंकार है, और अहंकार पेश करके बस ये प्रभु ने कहा है। शंभु तपस्या कर रहा था, राम ने उसे मार डाला, इसलिए क्योंकि शूद्र तपस्या करने का अधिकारी नहीं है। उसके तपस्या करने से एक ब्राह्मण का लड़का मर गया था, तो राम ने जब शंभु को मारा तो ब्राह्मण का लड़का जी गया। कितनी ऊटपटांग बात है, न राम ने मारा और न ब्राह्मण का लड़का जी गया। ये सब किसी कलुषित चित्त के ब्राह्मण का विचार है, उसकी कल्पना है, जिससे यह दबदबा कायम किया जाए कि राम ने संभोग शूद्र की इसलिए हत्या की कि वो तपस्या कर रहा था। इसलिए आज भी कोई तपस्या करता है तो बद्ध है। सूत जी 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य क्षेत्र में ज्ञान उपदेश करते थे। बलराम घूमते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने हल से उनको मार डाला, क्योंकि शूद्र होकर के ऋषियों को उपदेश करते थे। 88,000 ऋषियों जो उपदेश करे बलराम मार सकते हैं, और बलराम की ही स्थिति देखा जाए और वेदव्यास इत्यादि की स्थिति देखा जाए तो वहां शूद्र कुल उत्पन्न वेदव्यास स्वयं है, शूद्रा से उत्पन्न है, तो वेदव्यास को क्यों नहीं मार डाले जो कि बहुत बड़े ज्ञानी थे। बलराम वेदव्यास को मार डालते, और बहुत बातें हैं कबीर पर शुक्ल की मेरी दृष्टि में, इसको मैंने विवरण से लिखा है। तो ये सब सारे घृणित विचार इसलिए रख दिए गए ग्रंथों में कि जिससे सिद्ध किया जा सके कि शूद्र तप नहीं कर सकता है, संन्यास नहीं ले सकता है। कबंध वध में वाल्मीकि रामायण में राम ने कुछ भला बुरा नहीं कहा। गोस्वामी जी के मन में था कि शूद्र को गाली दी जाए, तो कबंध वध के संदर्भ में गोस्वामी जी ने राम के मुख से कहलवा दिया, शापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज अस गाव ही संता, पूजी विप्र शीर गुणहीना, शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण शाप देता हो, मारता हो, गाली देता हो तो भी वो पूज्य, शील गुण से भ्रष्ट हो तो भी वो पूज्य, और शूद्र सदगुण से संपन्न हो तो भी नहीं। अभी राम के मुख से, प्रभु के मुख से कहलवा दिया। अपने कलुषित विचार से गोस्वामी जी ने ये सब कहा और राम के ऊपर आक्षेप हो गए कि राम ने कहा, वाल्मीकि रामायण में राम ने नहीं कहा और वाल्मीकि रामायण प्रथम है। तो एक गोस्वामी जी की अनुदारता शीलवान शूद्र को भी अपूज्य और निम्न ठहराने की उनकी बात, और ब्राह्मण नामधारी भ्रष्ट हो तो भी उसकी पूजा करनी चाहिए, इस दलाली को पेश करने के लिए उन्होंने जो एक घृणित विचार रखा, कितना गलत है। और इसमें आक्षेप से राम के ऊपर पड़ता है। अब अगर ये सच है तो रावण को क्यों नहीं पूछते गोस्वामी जी, रावण को गाली क्यों देते हैं? ब्राह्मण का पनाती था, विद्वान था, ईश्वर भक्त था, वेदज्ञ था, क्यों नहीं पूछते? थोड़ी त्रुटि हो गई और इसीलिए वे पूरे मानस में गालियां देते रह गए। फिर ब्राह्मण कैसे पूछे अगर आचरणहीन है तो? हनुमान किस तिवारी के घर में पैदा हुए थे जिसके लिए हनुमान जी मार गा डाले हनुमान चालीसे? वो भी तो किसी तिवारी पाणी सुगुल के यहां नहीं पैदा हुए थे, आदिवासी परिवार के थे। तो महाकाव्यों में, नाना धर्म ग्रंथों में ऐसे घृणित विचार बहुत फैल गए हैं कि शूद्र कहलाने वाला व्यक्ति नीचा होता है, ब्राह्मण कहलाने वाला व्यक्ति ऊंचा होता है, चाहे जैसे हो। और ये भारतीयों के नस नस में आज भी व्याप्त है, और इसका परिणाम
हिंदू समाज का घोर पतन हुआ। आज भी वो संगठित नहीं हो रहा, आज भी आपस में जो उदारता चाहिए नहीं हो रहा। मनुष्य केवल मनुष्य, ब्राह्मण शूद्र एकदम बकवास। साहब कहते विमलक करे नयन नहीं सूझा, विमल दृष्टि, त्रिकालज्ञता और त्रिकाल के ज्ञाता है ऋषि, उन्होंने कहा है, प्रभु ने कहा है, ये सारी धांधलीबाजी की बातें। जितने मनुष्य हैं वो मनुष्य हैं, और अगर उन्होंने अन्यथा कही है बात तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, और ठीक कही है तो मानने, बालक कहे सच तो मान लेना चाहिए, विद्वान कहे गलत तो नहीं मानना चाहिए। नाना नाच नचाए के नाचे नट के भेष, घट घट है अविनाशी सुनो तकी तुमसे। ये गुरु लोग, और अगर शुद्ध भाषा में कहा जाए तो गुरुआ लोग, नाना नाच नचा करके लोगों को स्वयं नट के भेष में नाचते। नाना नाच नचाए के नाचे नट के भेष, दूसरे लोगों को नचाते हैं स्वयं नाचते। जो गलत काम करेगा दूसरे को दुख देगा, स्वयं को दुख देगा। घट घट है अविनाशी सुनो तकी तुम शेख, ऐसे एक तकी तुम सुनो घट घट में अविनाशी। शेख तकी यहीं झूसी में रहते थे, जो गंगा जमुना के संगम के पूरब तरफ है, गंगा के पूरब तरफ है। इसको पहले प्रतिष्ठानपुर कहते थे, और यही झूसी बहुत दिनों से कहलाता है ये कस्बा। यहां पर शेख तकी रहते थे, और वे मुसलमान लोग कहते हैं कि सत्य से साक्षात्कार इस्लाम करा सकता और कोई नहीं। हजरत मोहम्मद, कुरान और इस्लाम, ये त्रिपुटी को स्वीकारे बिना कोई भी ईश्वर को, सत्य को, हक को नहीं पा सकता है। जो इनको स्वीकारता है वही राह खुदा है, बाकी राह जुदा। वही जन्नत के रास्ते में है, बाकी सब नरक के रास्ते में। साहब कहते हैं तुम्हारा घोर अहंकार है शेख तकी। शेख तकी को साहब मिले थे और फटकारे थे। मानिकपुर में साहब रह रहे थे, एक मानिकपुर यहां से दक्षिण है, एक उत्तर है। अनुसंधान में यही लगता है उत्तर वाला ही, ये कस्बा बहुत विशाल है, और यहाँ रजवाड़े भी रह चुके हैं, और यहां शायद वो रहे हों कबीर साहब। मानिकपुर कबीर बसेरी मद्दत सुनी शेष तक के लिए। जब मैं मानिकपुर में था तो शेष तकी का की प्रशंसा सुनी, उजे सुनी जौनपुर थाना, सुना कि वे जौनपुर में रहते हैं। झूसी सुनी पीरन को नाम है, और झूसी को भी सुना कि पीरों के नाम है, तो जौनपुर भी रहते, लेकिन जौनपुर कम रहते, झूसी में ज्यादा शेष तकी रहते थे। तो शेख तकी को साहब ने कहा, ऐसा शेख तकी सुनो, घट घट में अविनाशी है वो अल्लाह, वो परमात्मा घट घट में है, बिचौलिए की जरूरत नहीं है इसमें, घट ही में है तो बाहर की क्या जरूरत है इस्लाम और हिंदुत्व का। हाँ, उसके महर्मी सदगुरु की जरूरत है, पीर की जरूरत है, कोई पीर हो, कोई सदगुरु हो, जो उसमें उसका बोधक हो और उसमें रमता हो, ऐसे सदगुरु की जरूरत है बस, और किसी संप्रदाय की जरूरत नहीं है। समझ जाए, दृष्टि अपने तरफ लौट आए, समझ ले कि जिसको मैं खोजता हूं वो मेरा आत्म स्वरूप है, बस हो गया। और तुम नाना नाच दूसरे नचाते हो, स्वयं नट के भेष में नाचते हो, लेकिन घट घट में अविनाशी तत्व बसता है, उसके लिए न इस्लाम की जरूरत है, न हिंदुत्व की जरूरत है, न ईसाइयत की जरूरत है, न और किसी पैगंबर अवतार की जरूरत है। उसके लिए जो उसका महर्मी हो, काम करता हो, उसे भेद लेना चाहिए, चाहे जिस मत का हो, चाहे जिस संप्रदाय का हो। जैसे वकालत में जो निष्णात हो उससे कानून का ज्ञान होगा, जो रोग चिकित्सा औषध में निष्णात हो उससे चिकित्सा कराई जा सकती है।
चाहे जिस का मत, चाहे जिस मत का हो। तो जिसे आत्मज्ञान हो, आत्म परिचय हो, आत्म स्थित हो जिसकी, ऐसे महापुरुष की शरण जरूर चाहिए। और कोई संप्रदाय की आवश्यकता नहीं। घट घट है अविनाशी सुनो तो की तुमसे, साहब खंडन करते हैं जब पाखंडों का और अंधविश्वासों का, मानवता में दीवार बनाने वाले जितने विचार हैं, चाहे जाति हो चाहे संप्रदाय हो, दोनों खंडन करते हैं। और उस समय प्रबल दो मत थे यहां हिंदू मुसलमान, तो दोनों पर उनकी दृष्टि जाती है। ईसाई लोग से साहब बहुत कम परिचित रहे होंगे, अथवा नहीं परिचित रहे, उस समय उतना प्रचार उनका नहीं रहा होगा, इसलिए उनके विषय में कुछ नहीं कहा। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उसको छोड़ने वाले थे। ईसाई भी कहते हैं ईसा ईश्वर का पुत्र है, उसी के थ्रू स्वर्ग जा सकते, और कोई चारा नहीं, ये भी उनका दंभ मात्र है। तो मानवता को विभाजित करने वाले संप्रदाय और जात, ऊंच नीच मान लेना मनुष्यों में, ये जातिवादी भावना, वर्ण भावना, ये मनुष्यता को काटती है। और दूसरा संप्रदायवाद कि हमारा संप्रदाय ही स्वर्ग और सत्य का ठेकेदार है, और दूसरे का नरक का, अथवा दूसरे का उतना नहीं पहुंच सकता है, तो ये भी मनुष्यता को काटता है विचार। और सत्य सबके अंदर में है, सदगुरु की शरण चाहिए और अपने तरफ लौटना चाहिए।